तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिवाली फोटो एडिटिंग के बारे में। तो गाइज, जितना मैंने बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज किया है, सारा का लिंक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड ओपन कर लीजिए। तो बैकग्राउंड ओपन करने के बाद गाइज, सिंपली आपको टूल्स में जाकर सबसे पहले आपको रिसाइज कर लेना है। बात समझ में आई गाइज? तो आपका फोटो फोन जितना सपोर्ट करे उतना आप लोग रिसाइज कर लें। तो यहाँ दिखा दिया, तो मैं अपना दिख देता हूँ, ठीक है। तो रिसाइज करने के बाद गाइज, ऐड फोटो में जाए और अपना जो दोनों का मॉडल है, आपका और गर्ल का, दोनों का मॉडल ऐड कर लो, ठीक है। तो गाइज, कुछ इस टाइप से ऐड करके आप लोग सेट कर लो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लड़की का हैंड पूरा कॉर्नर में हम सटा देंगे, ठीक है। एंड ये जो बॉय का है, बहुत सही। एंड इसको मूव टू अप कर लेंगे, ठीक है गाइस। एंड रख देना, ठीक है। उसके बाद आपको दिवाली का पीएनजी वो लेना है। एंड इसको जूम करके कुछ इस टाइप से, एंड नीचे कॉर्नर सटा के यहां से डन कर लो। एंड डन करने के बाद गाइज, इसे ऐसे ड्रॉ टूल में जाके आप लोग सेव कर लो, ठीक है। सेव करके आपको इस पिक को आप लोग फेस ऐप में ओपन करो, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा काम है, बता देते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ स्माइल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स स्माइल कर रही थी, दोनों का स्माइल पिक चाहिए ना, तभी तो गाइज एडिटिंग सही होगी। तो चलिए, तो गाइज मैंने इस पिक को फेस ऐप में ओपन किया, ठीक है। ओ सॉरी, ये बता रहा है आप ऑफलाइन है, ठीक है। तो आपको सिंपली से आपको डाटा ऑन कर लेना है, ठीक है। एक बार हम बैक कर लेते हैं, गैलरी, एंड अपनी पिक को यहीं से सेलेक्ट हम कर लेते हैं। तो गाइस, अपनी फेस पे एक बार टैप करना है, ये जो दो राउंड है, इस पे अपने फेस पे एक बार टैप करना है, ठीक है।
एंड ये जो स्माइल का ऑप्शन है इस पर टैप करें, एंड ये जो क्लासिक का ऑप्शन है इस पर टैप करें, ठीक है। तो गाइज आपकी फेस स्माइल करेगी, उसके बाद यहाँ से आप लोग सेव कर ले। सेव करने के बाद गाइज इस पिक को आप लोग लाइट रूम में ओपन कर ले, ठीक है। गाइज समझ में आ गई आपको बात, तो चलिए लाइट रूम में हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप बात मतलब बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो गाइज लाइट रूम ओपन करने के बाद सिंपली से आपको जो लाइट रूम आप जो ओपन किए हो उसमें आपको फोटो ऐड कर लेना है, दोनों फोटो। जैसे मैं ऐड प्लस पे टैप किया एंड जो मैंने ये वाला ऐड किया इस पे ऐड कर लेते हैं हम। एंड अब जो प्रीसेट है वो मैंने एक प्रीसेट आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग वो प्रीसेट को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपली से। तो मैंने आपको एक प्रीसेट दिया है, उस प्रीसेट को आप लोग ऐड कर लीजिएगा एंड इस पे आप प्रीसेट अप्लाई कीजिएगा। तो प्रीसेट ऐड हो रही है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो गाइज ये प्रीसेट आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, थ्री डॉट कॉपी सेटिंग टिक, ज्योमेट्री का ऑप्शन था यार, और ठीक है तो बहुत सही, थ्री डॉट कॉपी सेटिंग ज्योमेट्री टिक करके इसको टिक कर दे। यहाँ पे आके अपना फ़ोटो पे पेस्ट कर लो गाइज। पेस्ट करने के बाद गाइज इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको जो छेड़ना है आप छेड़ सकते हो मैन्युअली, चाहे आप अपनी कलर जो है शर्ट या मेरा तो टी शर्ट का कलर मतलब ईस्ट, देखिए आप मैन्युअली छेड़ सकते हो, कुछ भी छेड़ सकते हो। अगर फेस आपका ब्राइट कम किया है तो यहाँ से आकर अपना और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो, बात समझ में आए गाइज। उसके बाद इस पिक को थोड़ा सा यहाँ पे आप डिटेल्स मांग के शार्पनिंग और बढ़ा सकते हो। उसके बाद इस पिक को आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम जैसे इस पिक को हम सेव कर लिए, सेव करने के बाद गाइज आपको इस पिक को आप स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करो, ठीक है, शेयर टू। तो गाइज स्नैपसीड एप्लीकेशन में इस पिक को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद गाइज आपको टॉल्स में जाना है, टून इमेज में, ठीक है, एंड थोड़ा स्लाइड करके सेचुरेशन 100 एंड थोड़ा एम्बेंस और बहुत सही इतना, एंड यहाँ से डन। डन करने के बाद गाइस सिंपली से आपको ये जो ऊपर शेयर का थी ये जो है इसमें जाके व्यू एडिट्स पे जाना है आपको, एंड टून इमेज पे जाना है, इरेजर पे टैप करना है आपको, ठीक है। टैप करने के बाद गाइस आपको ये देखिए आप इन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है। इन्वर्ट क्लिक करने के बाद आप जो इसको इस साइड से जूम कीजिए, आपको खाली फेस पर से आपको हटा देना है, बात समझ में आ गई गाइस, ठीक है, सिर्फ फेस पर से हटा दो। एंड ये आपको बैकग्राउंड ही सेचुरेशन मतलब बढ़ाना है आपका बैकग्राउंड का ही, एंड हैंड पर रहने दीजिएगा, उसे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एंड बढ़ाने के बाद यहाँ से आप डन, तो भाई कितना बढ़िया बिफोर आफ्टर देख लीजिए। एंड एक बार बैक कर लेते हैं यहाँ से, एंड फिर से टोन में जाना है एंड टून इमेज एंड सॉरी गाइज बैकवर्ड करते हैं। उसके बाद अब देखिए सेलेक्टिव टूल पे जाना है आपका, जहाँ जहाँ फेस आपका जो ब्राइट कम कर रहा है, बात समझ में आई गाइज, ब्राइट कम मतलब जहाँ जहाँ ब्लैक है आप उसको वाइट कर लो, ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ा के डन, और सॉरी डन, देखिए गाइज बढ़ गया। एंड जहाँ जहाँ आपको जो ब्राइटनेस की ज़रूरत है ब्राइट की, बात समझ में आया कि मेरा फेस यहाँ ब्लैक है तो आप इसे यहाँ करके थोड़ा ब्राइटनेस कम कर सकते हो, अगर दूसरा लेना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके दूसरा ले सकते हो, बात समझ में आई गाइस। उसके बाद डन, तो देखिए आप बिफोर आफ्टर बहुत सा मतलब अच्छा इफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद टून इमेज में जाना है आपको, थोड़ा सा सेचुरेशन बहुत सही इतना कर लेना है आपको, एंड इस पिक को आप शेयर करेंगे हम ऑटोडेस्क के अंदर, ठीक है गाइस। तो चलिए हम ऑटोडेस्क के अंदर जा रहे हैं। तो गाइज ऑटोडेस्क में हम फोटो मतलब ओपन कर लिए, उसके बाद इस पर क्लिक करना है आपको, एंड जो स्लाइड करके नीचे जाना है, एंड आपको जो एसमएच कैटेगरी का ब्रश सेलेक्ट करना है। तो देखिए एसमएच कैटेगरी का ब्रश आ गया, इस पर टैप करके ये वाला ब्रश लेना है, इसकी फॉलो अप 5 कर दो, एस्टेंट बस इतना कर दो, ठीक है, साइज अपने हिसाब से गाइज। एंड पिक को आपको जूम करना है इस साइड से, एंड आप स्मूथ कर लो मतलब स्मूथ कर लो पिक, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप भी जल्दी जल्दी कर लो। तो गाइज ऑटोडेस्क में जो एडिटिंग मतलब था एरेज मतलब स्मूथ का वो तो हो ही गया है, एंड अब इस पिक को रिमेनी ऐप में हम लोग एडिट करेंगे। तो गाइज रिमेनी ऐप का तो मैं एक बार बता चुका हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो एक बार मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको रिमेनी ऐप एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है,
एंड अपना पिक जो है वो आप सेलेक्ट कर लो, जी जी मतलब जो है आपकी पिक वो सेलेक्ट कर ले। करने के बाद गाइज इस पे यहाँ पे टिक कर दे। तो गाइज कुछ सेकंड बाद आपको ऐड दिखाएगा, चाहे विदाउट ऐड का भी एप्लीकेशन आता है तो मैं वो वाला आपको भी दे सकता।